वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है ना, मैं घर में एक्चुअली मास्क लगा के घूम रही हूँ, झाड़ू लेके भी घूम रही हूँ, क्योंकि अभी हम झाला वाला मार रहे हैं अपने घर की, थोड़ी सफाई हो रही है। तो चलिए वो काम करते हैं। 11 सो गई है, तो चलिए पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये मास्क इसके इसलिए लगाया ना ताकि सारे डस्ट ना उड़े, इस वजह से बड़ा ही गंदा हो गया था ऐसा। ये ना कॉर्नर ये वाला कल साफ़ हो गया था, क्योंकि कल राइस वगैरह हमने जो रखा था ना चावल सब, उस वजह से। तो चलिए, दोनों काम बड़ा मुश्किल हो रहा है, शूट करना और झाला मारना। तो पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा झाला है, ये देखो मम्मी भी लगी हैं अपना मास्क वगैरह लगा के। यार हर दूसरे दिन चौथे दिन गंदा हो जाता, पता नहीं, फिलहाल हर चौथे दिन साफ़ नहीं करते यार, हम इतना टाइम नहीं रहता है। पर कितने दिन बाद साफ़ हो रहा है मम्मी? दस दिन बाद सफाई हो रही है, मतलब सफाई नहीं ना, झाला झूली, बाकी तो ऐसे साफ होता रहता है। पंखे की हालत दिखाती हूँ ज़रा, देखो देखिए गंदगी देख रहे हैं, वाइट कलर है, ऊपर से हाईवे का घर है तो हर दूसरे दिन गंदा हो रहा है, क्या करें अभी, कितना साफ करें, कोई करना तो पड़ेगा। तो चलिए ये सब कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यह झाला मार के एक्चुअली क्या है ना कि अभी इस टाइम पे 12 बज रहे हैं, इसलिए मार दिए क्योंकि अभी मेड आएगी ना तो वो पूरा क्लीन कर देंगी अच्छे से, इसलिए हमने वो पहले ही फटाफट से कर लिया। और आज मैं बना रही हूँ पालक वाली दाल, राइस और पराठा बन गया है, पराठा बन गया है। तो अभी 11 की मालिश बाकी है एक बार, पर अभी वो सो रही है इसलिए अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मेरा नहाना बाकी है, ये सब काम हो गया, मैं सोच रही हूँ मैं नहा लेती हूँ पहले, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। पंखे का नज़ारा देख लो, मस्त क्लीन कर दिया है, क्या मस्त चमक गया। 4 दिन ऐसे ही साफ रहेगा, 4 दिन भी नहीं, 2 से 3 दिन, उसके बाद फिर वही कंडीशन उसकी हो जाएगी। तो चलिए अभी मैं नहा वहा के फ्रेश हो जाती एकदम, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, अभी सारा काम हो गया है, सब कुछ हो गया है, अभी मैं खाने बैठी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पालक दाल, और ये है ना मिक्स वेज है, क्या बोलते हैं उसको, बैंगन है ना, बटाने हैं, ये सारे हैं, और पराठा है। राइस भी खा लेती हूँ, पर डेली बेसिस पे राइस नहीं खाती हूँ मैं, एक दो दिन ऐसे स्किप करके खाती हूँ। और कभी ऐसी कोई सब्ज़ी रहती है जो राइस के बिना नहीं अच्छी लगती तो ले लेती हूँ। तो अभी चलिए मैं पहले खाना इंजॉय कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी हो चुका है मेरा खाना वगैरह, सब कुछ हो चुका है, अभी इनको देखो ज़रा सॉक्स दिखा रही हूँ। अब बेटू कैमरा है भाई, कैमरा है, सीख लिया इसने ऐसा, ऐसे ये लिप्स अंदर दबा लेती है। ये देखिए जरा देखिए, ये ना बड़ा ही प्यारा सा गुदड़ी लेके आए थे प्रतीक, ये ना पूरा ऐसा लीप शेप में है, देखिए ऐसा है पूरा लीव शेप में। अभी ये सोई है, बाद में दिखाऊंगी मैं आपको कभी, बहुत ही प्यारा सा है। यार आज सुबह से काम था, काम मतलब रोज ही रहता है ऐसा नहीं है, पर आज थोड़ा साफ सफाई था, आपने देखा वो हर हम 10-15 दिन में क्लीनिंग करते रहते हैं घर की, ऐसा तो रोज करना चाहिए पर रोज इतना टाइम हो नहीं पाता है यार। अभी ना जो 2:45 बजे वाली मैं बात कर रही हूँ ना कि ये जग रही थी, वो मैंने शूट किया है कल रात को, वो क्लिप मैं डालूँगी आप देखिएगा। मतलब 2:45 बजे तक ये जगी है, उसके बाद 12 बजे तो मैंने शूट ही किया था, उसके बाद भी ये सोई नहीं, जग रही थी। तो मैंने कहा यार अब मतलब क्या करें, अब जग रही है तो मुझे प्रतीक को दोनों लोग को जगना पड़ रहा था, क्योंकि ऐसा तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अभी भी मैं 2:45 बजे तक जगी पर मुझे कोई नींद नहीं आ रही ऐसा कि मैं सो जाऊँ, पर प्रतीक का प्रॉब्लम हो जाता है और ऑफिस रहता है और ऑफिस जाना पड़ता है। पर मैंने बोला कि सो जाओ, पर नहीं सो रहे थे तो ठीक है इंजॉय किया, और क्या, रोज़ तो वैसे भी सो जाते हैं कभी कभी नहीं, कल ऐसा हुआ, बाकी वो डेली सोती है, उसका ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। मैं इसको सुलाने के लिए ये बड़ी वाली लाइट बंद कर दी थी, ये वाइट वाली, और हमने ना ये नाइट बल्ब ऑन कर दी कि शायद अंधेरे से सो जाए, पर नहीं, आज उसको सोना ही नहीं है, आज 12 बज गए हैं, आज हमको जागरण करना है, दिखाती हूँ देखो। चलिए ट्राई करते कि अब ये सो जाए, फिर हम भी सो जाते हैं।
ये देखो जरा, ये सॉक्स निकाल के उसने रख दिए। ये देखो, ये एक में सॉक्स पहना हुआ है। ये देखो ये ऐसे पकड़ रही थी, मैं शूट ही करने जा रही थी, मैं फट्टे से फोन उठा के शूट करूं, तब तक इसने फट्टे से निकाल के फेंक दिया। ये देखो पीछे, अभी ये पकड़ लो उसका निकल गया, अभी ये पकड़ लो, पकड़ लो, देखना, देखो शायद कर दे तो अच्छी बात है। देखो वो भी खींच रही है, वो जैसे जैसे यहाँ का ये जो रबर है ना, ये थोड़ा सा नीचे आएगा फट से खींच लेगी। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये देख रहे हैं, बस ऐसे करके वो निकाल के फेंक गया है। अब ये भी निकलने की तैयारी है, हो जाएगा बेटू, मिशन सक्सेस हो जाएगा, थोड़ा सा और ट्राई कर लो। गाइस अभी शाम हो गई है और प्रतीक आ गए हैं, अभी हम जा रहे हैं चाय वाय, मतलब चाय वाय पियेंगे अभी, और क्यारा अभी सो रही है। अभी देखिए आप इसको, कैप बहुत ही क्यूट है इसकी, तो सो रही है अभी, शाम हो गई है इसलिए मैंने काजल वाजल लगा दिया उसको। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।